शाबाश अशर, वेरी गुड वेरी गुड। आज अशर चाय बना के पिलाएगा सबको। हाँ, ए ए फेको 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 सारे। नहीं बेटा, चलो आओ चाय बनाए, नानी को चाय दे। कट देने दिन नहीं हो, कट दिए रात, रंजा चला तेरे पीछे, बस मांगे तेरा साथ। What's up guys, good morning, welcome to my new vlog। और new vlog कहाँ से start हो रहा है, देखो किचन में, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम है। और ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाने वाली हूँ डोसे, और चावल का डोसा नहीं है, आज मैं मिलेट डोसा बनाने वाली हूँ। ये देखो पूरा बैटर रेडी है, इसमें मैंने बहुत सारी स्पिनच डाल दिया इसलिए इसका ग्रीन कलर आया। और उसकी स्टफिंग के लिए आलू बिल्कुल नहीं, क्योंकि हेल्थ कैंप गए थे, वहाँ पे हमने लीला में इतनी तरह के हमने डोसे खाए, तो पता चला कि आलू नॉट नेसेसरी उसकी स्टफिंग करने के लिए। देखो अनियन, शेजवान, धनिया, पनीर, ये सब स्टफिंग करके हम बनाएंगे। और ये है सांबर और साथ में चटनी, चटनी भी बिल्कुल मैंने डिफरेंट बनाई है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये देखो, ये क्या कर रही है, करो ये देखो, इंस्पेक्शन चल रही है, क्या बन रहा है, ये तो सांबर है। ये सांबर है, चलाओ जो खा रहे हैं। योर मिलेट डोसा सर, मैं सच्ची बोल रहा हूँ मम्मी, मेरे को जब से सांबर की खुशबू आ रही थी ना, हाँ, तो डोसा खाने का मन कर रहा है। तो मेरे को पता था डोसा ही बना है, तो मेरे को ये नहीं पता था कि ये डोसा थोड़ा अलग सा है आज। ठीक है, काम चला, समझ नहीं आ रहा है हाँ। कि क्या कहूँ मैं, हाँ नहीं अच्छा नहीं है, आलू की स्टफिंग नहीं है ना, आलू नहीं डाले मैंने, बढ़िया है, चलो जैसा भी मिले बढ़िया है। हेल्दी हेल्दी ज्यादा हो रहा है मम्मी, हेल्दी हेल्दी नहीं खाना, डोसा तो मतलब वो ही अच्छा लगता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज खा लो नेक्स्ट टाइम से, ठीक है, है अच्छा लगता है। मतलब 0 to 10 के स्केल पे अगर डोसा 10 होता है तो ये 6-7 पे है। ओके, आपको वही मिलेगा। लीजिए सर, आप भी अपने विचार व्यक्त कीजिए। क्या है ये? ये डोसा है, तो इतना हरा क्यों है? ये हरा डोसा है। हाँ जी, ऐसे थैंक यू सांबर टेस्टिंग के बारे में। थैंक यू सांबर, ये हाँ, तो तू तो हेल्दी हेल्दी करता रहता, तेरे को तो अच्छा लग गया, आप भी थोड़ा हेल्दी खाना शुरू करो। सही था, मतलब परे को था ना, दिल रखने की मत बोल। अरे नहीं, मेरे को पता है ये डोसे का चस्कू है। हाँ, इसको चाहिए बिल्कुल परफेक्ट डोसा, जैसे मम्मी पहले बनाती थी, शेजवान चटनी लगा के, प्याज लगा के। हाँ भाई, हाँ टेस्ट कहाँ है भाई, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था चेन्नई में मैं, तो अब से लाइफ स्टाइल बदलवा, ये बदलवा, रात को देखो मैकडी के फ्राइज खाता है, बर्गर खाता है। अच्छा, खुद से नहीं मंगवाया था, सुबह भी मैकडी खाया तूने, रात को मैकडी खाया, सुबह मैकडी किसने खिलवाया, इन्होंने कैमरा के पीछे, रात को मैकडी किसने मंगवाया, नॉट मी। अभी किचन का काम भी खत्म हुआ, एग्जॉस्ट लगने बाकी है, ऊपर छत पे पंखा भी लगना है, किचन का काम नहीं खत्म हुआ, और काम शुरू हो गए साथ, ये ऊपर के बाथरूम की छत भी पूरी ऐसे पपड़ी बन बन के गिर गई, ऊपर के बाथरूम का भी बुरा हाल हो गया, तो हमने सोचा अब काम तो हो ही रहा है तो ये भी करवा लेते हैं। और फिर यहाँ पे भी सीलन आ रही थी तो यहाँ भी ठीक करवा लिया, फिर मैंने कहा सारा काम तो हो ही रहा है तो ये वाला बाथरूम क्यों छोड़े, ये वाले बाथरूम में भी पेंट करवा लिया। ये अभी अंदर भैया लगे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी छत, तो मैंने कहा चलो हो रहा है काम तो करवा ही लेते हैं। बात पता क्या है, इस घर को भी मंजूर नहीं है कि हम नए घर में जाएं। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो, चलो भाई नए घर, ये घर जाने ही नहीं देता हमें ना, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ घर जाने देता है, तुम नहीं जाते, ज्यादा बहाने मत दो,
अच्छा और क्या? ये घर तो जाने देता है पर तू घर पे नहीं होता ना, क्या करे। ये घर हमें कहीं नहीं जाने देगा, हम यहीं बैठेंगे, यहीं रुकेंगे, यहीं पे टीवी देखेंगे और इसी बेड पे खाना खाएंगे। मैं ही हूँ मम्मी, जो दो बार नए घर जाके आया, दोनों बार बीमार हो गया। आप चलते नहीं हो साथ में, वो घर ही नहीं होता, क्या करें, इसको छोड़ देते हैं, हम ही चलते हैं। मैंने तो पहले ही बोल दिया, मेरा सेटअप लग गया, मेरा सब कुछ रेडी है, मैं तो आप लोगों के अधीन हूँ, जब बोलोगे चल लो हम उठ के चल लेंगे। अकेले तो जाया नहीं जा सकता, इतने बड़े घर में वैसे भी अकेले रहना तो भाई इम्पॉसिबल है। चलना है तो साथ में चल लो, वरना हम भी यहीं पड़े हैं। ठीक है भाई, आज पहली बार देखो आईपीएल भी देख रहा हूँ, कुछ करने को नहीं है। कल रात को पता कितना ज्ञान दर था, शार्क टैंक देखना, क्या क्रिकेट देख रहा है। भाई शार्क टैंक से कुछ सीख जाएगा, बिजनेस बिजनेस करना। फिर क्या है, मैच देखो तो भाई चेन्नई का देख, आरसीबी का देख, ये किसका ड्रिंक रहा है वो नहीं बता रहा किसका मैच था। लेटर दैट सेम इवनिंग, ये देखना भेलपुरी की शौकीन। एक तो वो आता है, वो कहेगा मैंने हर टाइम भेलपुरी खानी, ये आई है तो मुझे भेलपुरी खानी है, ये देखना जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, तड़ची से खा लूं चम्मच तो। अरे मिक्स तो करने दे भाई, करो मुझे दोबारा से लाए थे हैं। वो दोनों भेलपुरी के शौकीन है, तेरे को वेजिटेबल्स ही खानी है, पता नहीं क्यों भाई तुम दोनों एक सेम नहीं हो। अच्छी बात है ना, कुछ अलग भी होना चाहिए, यूनिकनेस। हाँ ये बोरिंग रहता सब कुछ, इसको हर टाइम और चारों पास से रोड़ा पे गया। खाना डाल दूं? यस भाई साहब, घर पे कैसे आज? हां भाई अब तो घर रुकना पड़ेगा भाई। क्यों? मम्मी मना करती है घर से बाहर जाने से, कह रहे नोनू बीमार हो जाता है। अच्छा अच्छा, देख देख कैसे शर्मा रहा, देख 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 कैसे खुश हो रहा। खाना पूरा खिला के तंदुरुस्त करो उसे, दो दिन ये मेरे से दूर रहता तो बीमार हो जाता है, ये तो फैक्ट है। व्हाट अबाउट यू? इसको नहीं, ये तो बाहर ही, ये आपसे दूर ही रहता है तो ठीक रहता है, घर आके बीमार हो जाता है। घर आके बीमार हो जाता है, मुझे भी ऐसा ही लगा। चलो फिर आओ, आपको बाहर का रास्ता मैं दिखाती हूँ, चलो 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 आइए। सच में वैसे जब ये बेड पे पड़ा होता है ना, मुझे लगता है बीमार है। निश्चय अभी खाना खा रहा था और ये जो छुटकू आफत है ना, ये देखो इसने क्या करा, ये उसकी प्लेट ही खींच दी पूरी। प्रेरणा बैठी थी यहाँ पे, इसको खाना खिला रही थी, मेरी प्लेट पड़ी थी यहाँ पे, तो ये ना ऐसे बार बार हाथ मारने की कोशिश कर रहा था, मैंने प्लेट उठा के यहाँ पे रख दी, लिटरली इतनी दूर इससे, ये यहाँ और प्लेट यहाँ पड़ी है। मामा झूठे हो तुम, थोड़े झूठे, एक नंबर के झूठ बोलते हो, झूठे हो। ये देखो कैसे हंस रहा है, झूठे हो, झूठे बात हो रही है, झूठे हो। मोदी से जंप मारा है ये लिटरली और हाथ मार के पूरी सब्जी गिरा दी। उसको देखो वो ठीक होना चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया, उसका हाथ ठीक है ना, वो बहुत खुश है, उसको मजा आ गया, उसको मजा आ गया, शरारत करी ना उसने, मेरा पर्पस अचीव हो गया। मैंने इसको यहाँ बिठा दिया, मैंने कहा तू यहाँ बैठ, हाँ एप्पल खा ले अब, अश्री बटन बंद कर दे, खा ले खा अब। ये देख मेरे इसने पूरे नेल्स मार के पूरा मुंह नोच दिया। मारता है ना तू, हाँ है? और फिर मैंने ना शीशे में इसको बोला, मैंने कहा इसको मार तो अपने आप को नहीं मारता ना, मुंह पीछे कर लिया। अशर 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 अशर, मैंने नानू के पास बिठा दिया, मैंने नानू के पास तो खुशी से बैठता है। एप्पल खा एप्पल, जब मैंने कैमरा इधर करा तो इधर देखने लग गया, सब पता है कैमरा कहाँ जा रहा है। ओए नंगू पोंगू, अभी खड़ा हो जाएगा, ये एक साल का होने वाला है, अभी तक नानी नहीं बोलना सीखा। बोल दे भाई नानी, ये अभी उधर इतना कबाड़ मचा के आया, अभी इस कमरे में भी मचा दे कबाड़, गंदा कर दिया है। ये मम्मी गंद हम पाते ना, इतना ये गंद पाता है, अगर हम उतना गंद पाने लग गए तो उस दिन तो मम्मी ने हमारे घर से बाहर निकाल देना है। इसको निकालो ना, जब तुम छोटे थे तुम भी करते थे, निकालो इसे घर से बाहर। कोई आया अश्रीप अश्रीप सर मार लिया अपना, ये
नन्नू मामू कौवा मामू की नाक पे मार दिया काम कर रहा है अशर तू नानी का ये क्या बेटा ये सारे बर्तन निकाल निकाल के फेंक रहा है शाबाश अशर वेरी गुड वेरी गुड आज अशर चाय बना के पिलाएगा सबको फेंको सारे नहीं बेटा चलो आओ चाय बनाए नानी को चाय बहुत ही ज्यादा वो हो गया डिस्ट्रॉयर जिसको कहते हैं ना हर चीज फेंकनी है निकाल के पूरी अलमारियां अभी मैंने उनको लॉक करा है ये सारे बर्तन निकाल निकाल के फेंकी जा रहा है पूरा घर ऐसे कर देता है अस्त व्यस्त जिसको बोलते हैं ना आफत की पुड़िया है ये आफत की पुड़िया पता चलता है नानी घर आया चेचना